आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन, और एक बार फिर से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके संग है। आपके दुखों में, आपके संकटों में, आपके समस्याओं में वो आपके संग रहता है। वो हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। एक बार फिर से मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ इन वचनों के द्वारा, और जो वचन आपको बताने जा रहा हूँ विश्वास के साथ सुनिए और इसको अपने जीवन में क्लेम कीजिए, अपने हृदय में बसाइए, ताकि समय समय पर ये वचन आपके अंदर से एक सामर्थ्य को, एक सहायता के तौर पर ये आपको सहायता कर सके। हालेलुया। तो हम देखते हैं भजन संहिता 62:8 पद में लिखा है, हे लोगो हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल के कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है मेरे को, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। यानी कि कठिनाइयों में, समस्याओं में, दुखों में, संकटों में हम उस पर भरोसा करें, वो हमारे संग है, वो हमारा शरण स्थान है। अपने जो आपके दिल की बातें हैं अपने मन खोलकर उसके सामने रखो। जो आप मन में सोचते हैं वही आप उससे होठों के द्वारा उससे कहिए। जो हम मन में सोचते हैं हम प्रार्थना में वही बातें हम रखें। ये नहीं कि हमारे मन में कुछ और, हमारे होठों से कुछ और। यहाँ क्या कहता है, हे लोगों उस पर हर समय भरोसा रखो, उससे अपनी मन की बातें खोल के कहो। भजन संहिता 20:7 पद में लिखा हुआ है, किसी के रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। बहुत से लोगों को पैसे पे घमंड होता है, बहुत से लोगों को अपने जमीन जायदाद पे घमंड होता है, उस पर भरोसा होता है। लेकिन हमारा भरोसा क्या होना चाहिए, हमारा परमेश्वर, हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, ना कि ये दुनिया के धन दौलत पे, ना पैसे पे, ना जमीन जायदाद पे। हमें भरोसा रखना है तो हमें परमेश्वर भरोसा रखा है, क्योंकि ये संसार आपको धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर हर एक परिस्थितियों में वो आपके संग रहेगा, वो ना छोड़ेगा, ना आपको त्यागेगा। प्रभु का वचन साफ साफ से हमसे बातें करता और कहता है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे और उसी पर हम भरोसा रखेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 55:22 कहता है, मेरे पियो अगर आप चिंताओं में डूबे हुए हैं, बहुत से दबे कहरा रहे हैं, आपके जीवन के रास्ते बंद नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ने की हर एक रास्ते बंद चुके हैं, आप चिंताओं में डूब चुके हैं, तो परमेश्वर आपसे सीधे सीधे वचनों से बात करना चाहता है। भजन संहिता 55:22 पदों से, और आपसे कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मियों को कभी टलने ना देगा। प्रभु का वचन क्या कहता है, मेरे प्रियो अपना बोझ उस पर डाल, वह तुझे संभालेगा। हमें संभालने वाला कौन है, हमें संभालने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। जब तक हम अपनी चिंता, हम अपना बोझ, अपनी समस्या हम दूसरों को नहीं बताएंगे, वह हमें सहायता प्रदान नहीं करेगा। जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को जब तक आप अपनी समस्या को नहीं बताएंगे, उसके हाथों में नहीं देंगे, तब तक वह कैसे आपका इलाज करेगा। उसी प्रकार से परमेश्वर के सामने जब अपनी समस्या को नहीं रखेंगे, हम अपना बोझ को उसको नहीं दे देते हैं, तब तक क्या हम उस समस्याओं से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें अपना बोझ, अपनी चिंता परमेश्वर पर डाल के, और हमें मन की बातें खोल कर उससे कहना है, और नियमित तौर पर हर एक परिस्थितियों में हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु हमें उसमें सहायता प्रदान करें। यहां साफ साफ वचन हमसे बातें करता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मियों को कभी टलने ना देगा। हालेलुया। भजन संहिता 48:14 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करता है। वह कौन सा परमेश्वर है, वह हमें मृत्यु तक हमें अगुवाई करता है, और सदा काल तक का परमेश्वर है। वचन कहता है, यह परमेश्वर जिसकी हम आराधना, स्तुति, प्रशंसा करते हैं, सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करता है।
वह क्या करता है, वह मृत्यु तक यानी कि मरते तक वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमारे संग संग रहता है। हालेलुया। मैं पियो ये वचन आपके जीवन में एक विश्वास को उत्पन्न करेगा। आप सोच रहे हैं परमेश्वर मुझे छोड़ दिया है, मेरे पास नहीं आता, मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है, तो ये वचन आपके लिए है। वह आपकी मृत्यु तक अगुवाई करता है। अपनी चिंता अपना बोझ उस पर डालिए, वह आपको सब कुछ करने के लिए तैयार है। जब हम अपनी चिंता उस पर डालेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देगा। भजन संहिता 142 के 2 और 3 पर कहता है, मैं अपनी शोक की बातें उसे खोल कर कहता हूं, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूं। वचन क्या कहता है मेरे पियो? यहां जो भजनकार है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। वह किस प्रकार से प्रार्थना करता है? वचन के द्वारा वो हमें समझाया है, मैं अपनी शोक की बातें उसके सामने खोल कर रखता हूं, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूं। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी तब तू मेरी दशा को जानता था। जब आपका मन व्याकुल हो, जब आपका मन बेचैन हो, तो आपकी आत्मा को जानता है कौन? परमेश्वर आपके आत्मा को जानता है। वो कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, हर एक परिस्थितियों में वो आपके संग संग रहता है। और प्रभु का वचन भी हमसे यही कहता है, मैं अपनी शोक की बातें उसके सामने खोल कर कहता हूँ, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूं। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, बेचैन हो रही थी, चिंता में पड़ी हुई थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जब आप समस्याओं में पड़े, आप चिंताओं में पड़े, आप शोक में डूबे, आप कोई बात समझ में नहीं आए, तो आपकी दशा को परमेश्वर जानता है। वह सच्चा परमेश्वर है, आपको कभी भी ना छोड़ेगा, आपके हर एक परिस्थितियों में वो आपके संग संग रहता है। केवल हम उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को भेजता है। जब वचन हम अध्ययन करते हैं तो वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। यह वचन हमें एक आशीष प्रदान करता है, हमें आगे बढ़ने का एक मार्ग बताता है। जितना महत्व हम प्रार्थना को देते हैं मेरे पियो, उससे अधिक हम वचनों को ध्यान वाले हो जाए, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने नाम से अधिक इन वचनों को महत्व दिया है। जब ये वचन हम अपने जीवन में लागू करेंगे, इन वचनों को अपने हृदय में बसाएंगे, तो प्रभु हमें वचनों के द्वारा बातचीत करेगा, और वचनों के द्वारा हमें संभालेगा, और हमें हिसाब देगा, हमें सामर्थ देगा, हमें आशीष प्रदान करेगा। हर एक बंद रास्ते को ये वचन खोल कर देगा। प्रार्थना के साथ वचन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो वचन सुनते हैं, वचन हमारे जीवन में कार्यशील होता है, क्योंकि प्रभु का वचन उसका शब्द सामर्थी है, और जहाँ रहता है, जहाँ सुना जाता है, जब वहाँ बोला जाता है, तो वहाँ वो कार्य करके ही लौटता है। जब वचन बोया जाता है, विश्वास पूर्वक उसको हृदय में बसाइए, उस वचन को लिख कर रखिए। आपको वचन सुनने का एक आपके अंदर एक लालसा होनी चाहिए कि ब्रदर और पास्टर जी कब वचन पोस्ट करेंगे तो मैं कब सुनूं, और उसको मैं डायरी में नोट करके रखूं। और जब ये वचन हम सुनते हैं, जब पढ़ते हैं, तो प्रभु हमसे बातचीत करता है। ये विश्वास का वचन है। जब आप सोचे कि परमेश्वर ने मुझको छोड़ दिया है, आपके अंदर जब शैतान ये कार्य करे, क्योंकि शक जो है वो शैतान के द्वारा आता है, परमेश्वर कभी भी शक नहीं भेजता है। हालेलुया। शक शैतान के द्वारा आता है ताकि आप परमेश्वर पर शक करें, और आप परमेश्वर की उपस्थिति से नीचे गिर जाए, आप उसके उपस्थिति से अलग हो जाए। तो जब आपके मन में इस प्रकार का विचार आए, आपके अंदर शक आए कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, परमेश्वर मुझे छोड़ दिया है, तब ये वचन आप पढ़िए, परमेश्वर आपसे बातें करेगा और कहेगा कि मैं तेरे संग संग हूं। जब आपका विश्वास कमजोर हो जाए तो ये वचनों को सुनिए, ये वचन आपके जीवन में विश्वास को उत्पन्न करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पियो, हम वचनों पर ध्यान करने वाले हो जाए। जितना महत्व प्रार्थना को देते हैं, उससे अधिक हम ये वचन पर ध्यान करने वाले हो जाए। प्रार्थना के साथ साथ वचन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
हर रोज रात को 9 बजे वीडियो पोस्ट होता है वचन का, आप सुनिए और उसके द्वारा आशीष को प्राप्त कीजिए। इस वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। इस वीडियो को, इस वचन को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। गॉड ब्लेस यू।